जो लॉकडाउन आया सीगा सब तो वध वीजे यूके दे लगे कैनेडा हाहाकार मच गई सी लोगों की वर्डिंग आ गई थी जो कैनेडा के वीजे बंद हो गए ये वो बंदे कहिंदे कैनेडा बंद हो गया जिन्ना तो लगिया ही गिद्दर सिंह दी 30-40 वीजे आ गए जी 50 वीजे आ गए 20 वीजे आ गए ठा होंगी पी है कि हाँ जी हाँ जी बड़े वीजे लग रहे हैं। दूजी कंट्री की गल कर ला ना ऑस्ट्रेलिया ना यूके इलदा कुकर नहीं पता काम किवें करना पता ही नहीं। अज कैनेडा तद अपलाई करो जे पेशेंस हैगा सबर कर सकते हो अटलीस्ट साल खंड का वीजा लवाऊगा उ जिन्हों काम करना आता। 6.5-7 बैंड आ गए वो अपने आप को तोप समझता कि मेरा तो वीजा वट दे लग्या पिया ते अज सब तो वध रिफ्यूजल्स भी यही प्रोफाइल्स दी है। ESS की गल करना ना 17 साल का एक्सपीरियंस है कोई गिद्दड़ सिंह ही नहीं है। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं उम्मीद करदा तुसीं सारे जने चढ़दी कला 'च होवोगे। अज ना सवेरे जदों उठिया सीगा ते स्नैपचैट खोलिया ओल्ड मैमरीज आईयां सी अज तों 2 साल पुरानी उत्ते ये चीज़ देखी कि 2 साल पहला गुरिंदर भाजी ने अज दे दिन 'च ही बड़े सारे वीजे दिखाए से कि अज साडे वीजे लग के आए आ एंड उच्च तकरीबन 50 के वीजे सी कैनेडा दे 2-3 सीगे अपने यूके दे ते उदों ना भाजी ने एक वर्ड बोलिया सीगा भाजी ने एक चीज़ कही सी कि जी आ टाइम हुण बदलेगा आने वाले सालों से ये चीज़ ऑपोजिट हो जाएगी कि यूके अगे आएगा तो कैनेडा थले जाएगा। तो अज आप 2022 खड़े हैं तो अज वाकई आ चीज़ सच साबित होगी। अज जो सवेरे ऑफिस आए हैं अज वीजिया की चढ़ी लगी लाइन लगी एंड सब तो वध वीजे अज आए हैं यूके दे तकरीबन 30 बच्चों के अज यूके दे वीजे आए हैं 7-8 बच्चों के अज ऑस्ट्रेलिया के वीजे आए हैं तो 4 बच्चों के अज कैनेडा के वीजे आए हैं। तो जे मैं इनू देखा ना 2 साल पुराने कि 2 साल पहला 50 वीजे कैनेडा सीगे ते 4 वीजे सीगे यूके दे ते अज ऑपोजिट है अज 30 वीजे हैगे यूके दे ते 4 वीजे हैगे कैनेडा दे। कहावत हैगी ना इंग्लिश विच टाइम वेट्स फॉर नो वन। स्नैप सीगी 7 सितंबर 2020 दी अज हैगा 7 सितंबर 2022 2 साल से 360 डिग्री चेंज होया एंड भाजी ने उदों कहा सीगा भावें रिकॉर्डिंग करके अज भी चैक कर लो वीडियो हजे भी पई होनी है कि जी टाइम अगे यूके दा आन वाला क्यों क्योंकि 2019 दे विच पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट यूके ने शुरू किया एंड उदों भाजी ने कहा सीगा कि अगे टाइम आएगा कि जो सारे बच्चे यूके वाले पास जाएंगे क्योंकि वर्क परमिट शुरू हो गया एंड जे वो देखा ना 2020 जो लॉकडाउन आया सीगा सब तो वध वीजे यूके दे लगे कैनेडा हाहाकार मच गई सी लोगों की वर्डिंग आ गई थी जो कैनेडा के वीजे बंद हो गए कैनेडा रिजल्ट्स आंदा नहीं पाया। 2021 भी सेम चीज़ शुरू हुई कैनेडा रिजल्ट्स आने शुरू हुए बट बहुत ज़्यादा स्लो सके रिजल्ट्स आते नहीं पे सके एंड ऑस्ट्रेलिया वैसे बंद पाया मतलब बंद नहीं सगा ट्रैवल बंद सगा फाइल्स लगदियाँ पे बट बच्चे डरे से कि अप्लाई क्यों करिए इतने बैठ के ऑनलाइन क्यों पढ़िए जो ट्रैवल है ही नहीं गा एंड जो 2021 ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल शुरू हो गया इस साल बड़े बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया भी अप्लाई किया एंड जुलाई इनटेक जरा साडा ESS का निकल के गया बहुत वधिया रहा ऑस्ट्रेलिया वास्ते तो जिदे रिजल्ट्स नवंबर इनटेक जो डेफर भी बच्चे हुए थे वो रोज़ रोज़ हुण भी वीजे उन्होंने आते पे है। सो ESS मतलब जे गल कर ला ना किसी भी एजेंट की किसी भी बंदे की जो इमीग्रेशन का स्टूडेंट वीजा का काम करता वह एक ड्रीम होंगे जोड़ा साडा भी सीगा कि तिने कंट्रियाँ यूके कैनेडा ऑस्ट्रेलिया तिने कंट्रिया के रिजल्ट कट्ठे आन एंड मैं लगता नहीं पंजाब से कोई भी कंपनी होगी जिहड़े 3 कंट्रियां नूं कट्ठी प्रमोट भी करती होगी एंड तिना दे कट्ठे रिजल्ट्स भी लैंदी होगी एंड असी अज मानना कहिंदा कि ESS पंजाब की पहली कंपनी है जिन्होंने तिना कंट्रियां नूं कट्ठा रन भी किया ते अज तिना कंट्रियां दे कट्ठे रिजल्ट्स भी हैगे आ यूके दे वीजाज भी हैगे आ कैनेडा वीजाज भी हैगे आ एंड ऑस्ट्रेलिया दे वीजाज भी हैगे आ एंड अज ना मैनूं भाजी दी कई वारी कई गल्लां चेते आंदियां मतलब यह ड्रीम से गुरिंदर भाई का तो रोहित भाई का कि साढ़े को ESS के तिने कंट्रियाँ कट्ठे चलन एंड एक दिन आए जो आप तिना के कट्ठे वीजे डिस्प्ले करिए एंड अज वो दिन आ चुकया। भाजी ने एक चीज़ कही सी कि यार देख जो आप लीडरशिप थोनू पास की है ना कुछ सोच के पास की है क्योंकि असी वो बंदे हैं जेडे अज का नहीं सोचते जेडे गाह की होना साल बाद की होना 2 साल बाद की होना 3 साल बाद की होना आप प्लैनिंग अज ही कर लें कई मूँह की वर्डिंग होंगी है भाजी कैनेडा तो बंद हो गया कितने कैनेडा बंद नहीं हो मैं बहुत बार पहला भी कह चुका कितने कैनेडा बंद नहीं हो बिकॉज रिजल्ट्स रोज़ रोज़ आ रहे हैं ये वो बंदे कहें कैनेडा बंद हो गया जिन्ना हाथ लगिया ही गिद्दड़ सिंगियां कि भाई आंदा जाता कुछ नहीं
तुक्का सीगा लग गया। एक हुंदा ना अलादीन दा चिराग हाथ लग्या सीगा जी, अप्लाई किया बच्चा आया जी अप्लाई कर दो, उदो रिजल्ट्स बड़े फास्ट सीगे कैनेडा दे, अप्लाई किया 100 पिछों 30-40 वीजे आ गए जी, 50 वीजे आ गए, 20 वीजे आ गए, ठा हुंदी पई आ जी, हाँ जी हाँ जी बड़े वीजे लग रहे आ। एंड उन्हां नूं दूजी कंट्री की गल कर लां, ना आस्ट्रेलिया ना यूके, इल दा कुकड़ नहीं पता, काम किवें करना पता ही नहीं, तो उन्हां दी तां अपने आप चीकां निकलनियां, गिद्दड़ सिंह हाथ लगी सी ते अज फोसे ही बैठे आ जी, आ कंट्री बंद होगी, इत्थे ते वीजे लगने नहीं, इत्थे दा कॉलेज अप्लाई ना करो, सरकारी कॉलेज अप्लाई ना करो, प्राइवेट च अप्लाई ना करो। अज 100 बयान आते पे लोगों के कि जी वीजे आते नहीं पे, बट सच्चाई तो यही नहीं है ना, सच्चाई तो यही है कैनेडा रिजल्ट्स अज भी आ रहे हैं, हाँ स्लो है। जे मैं हुण देखा ना, अज जिहड़ा बच्चा प्लैन करता पाया कैनेडा पढ़न दी जान दा, अज आपां सितंबर 2022 च बैठे हाँ, अगला इनटेक मई 2023 या सितंबर 2023 का होएगा। तो जे बैकवर्ड देखा ना, तुसीं जिद्दन फाइल लॉन्च की कैनेडा एम्बैसी विच, हाई कमिशन ने 3 to 4 मिनट टाइम लेना रिजल्ट देने वास्ते, तुसीं ऑफर अप्लाई की एडमिशन ऑफर लैटर आने वास्ते एटलीस्ट 2 to 3 मिनट लगने है। सो जे ओवरऑल जे कैनेडा टाइम फ्रेम देखा, अज कैनेडा तद अप्लाई करो जे पेशेंस हैगा, सबर कर सकते हो एटलीस्ट साल खंड का, क्योंकि सितंबर 2022 बैठ के ना सितंबर 2023 इनटेक वास्ते अप्लाई करने की गल्लां करते पे हैं, क्योंकि प्रोसेस में ही एटलीस्ट 7 to 8 मिनट लगने हैं, इंक्लूडिंग ऑफर लैटर टाइम, इंक्लूडिंग फीस ट्रांसफर टाइम, इंक्लूडिंग एलओए टाइम, प्लस हाई कमीशन टाइम। दूजे बन्ने जे मैं गल करा आस्ट्रेलिया की, तुसी आस्ट्रेलिया अप्लाई किया, हाई कमीशन का रिजल्ट टाइम एटलीस्ट 2 to 3 महीने। तो जे मैं आस्ट्रेलिया की गल करा ना, आस्ट्रेलिया रिजल्ट देने का टाइम ही एटलीस्ट 2 to 3 महीने, ऑफर अप्लाई करीदा 3 to 4 हफ्ते ऑफर लैटर नूं, ते जो जी टी की गल आती यूनीवर्सिटी विच महीना डेढ़ महीना उत्थे भी लग जाता। सो जेकर आस्ट्रेलिया की गल भी कर ला ना, टोटल टाइम स्टार्ट तो लैके वीज़ा तक रिजल्ट तक का तकरीबन 5 to 6 महीने आस्ट्रेलिया भी हैगा। तो जे यूके की गल कर ला ना, सब तो फास्ट प्रोसैस है यूके का, तुसीं हाई कमीशन में जिद्दन फाइल लॉन्च करती एंड जे लाई एप्लीकेशन स्टैंडर्ड के अंडर 25 to 30 दिन हाई कमीशन रिजल्ट वास्ते लेंदी है, तो जे लाती प्रायोरिटी विच एक एक हफ्ते च रिजल्ट है एंड जिदा रिजल्ट है कि अज वीजा की बारिश हुई पी है, लड़ियाँ लगिया पी यूके दे वीजाज दियाँ, बट वीज़ा लवाऊगा उही जिन्हों काम करना आता। बीइंग ESS की गल करना ना, 17 साल का एक्सपीरियंस है, कोई गिद्दड़ सिंह ही नहीं है, कोई चिराग नहीं है, मेहनत है, नॉलेज है जिहड़ी इकट्ठी कीती है। कई बार बच्चे आते ना, भाजी वीज़ा अप्लाई करना, एंड वो आते हैं स्टूडेंट आते हैं, ये कहते हैं मैं आह कॉलेज चाहिए, मैं आह कोर्स चाहिए, तो मैं आह वाला सिटी चाहिए है, ठीक है जी करा दें, मेरी फीस लगनी है, एप्लीकेशन फीस लगनी है, मेरी लॉजमेंट फीस लगनी है, मेरी फीस पे कर दो, तो ही जिमें कहता अं उस तरीके काम करा, तो वीज़ा अप्लाई करा देंगे। मतलब वो इमेजिन हों, सोचते हैं कि बीइंग स्टूडेंट कहें कि वो मदारी है, वो डमरू बजा रहे अपना, तो अगला बंदा उस तरीके काम कर चले, उस असं अपनी कोई एक्सपर्टाइज यूज़ नहीं कर सकते। बट एक दूजा बच्चा आता, भाजी मैं आ कैनेडा जाना, मैं आ शहर चाहिए, बट तुसी देखो मेरा वीज़ा किवें लग सकता, उत्थे असी अपनी एक्सपर्टाइज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ने सानू ये कहता जी मेरी यह जिंदगी है, आ मेरी लाइफ है, ये तुसी एक्सपर्ट्स है, तुसी देखो ये किधरले बन्ने मेरा काम सूट आ सकता, तो तुसी अपनी एक्सपर्टाइज यूज़ करके मेरा वीज़ा अप्लाई करो, पैसे उत्थे भी उन्नी लगने हैं। बट पहली कंडीशन च की सीगा, स्टूडेंट ने डमरू हिलाया, असीं उहदे अकॉर्डिंग काम करता, दूजी जी की है अं अपनी एक्सपर्टाइज यूज की, जोड़ा काम किया जो एक्सपीरियंस साढ़े को लगा उस अकॉर्डिंग वह केस में प्रेजेंट करके वीज़ा अप्लाई कराया, दोवों से बड़ा फर्क है। जो स्टूडेंट अगर कह दें ना भाजी मैं आह 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 करके दो जी, अं कहने जी जी ओके है, रिजल्ट जिम्मेवार तुम अपने आप हो गए, बिकॉज तुम जिमें क्या असी उस तरीके काम किया, बट जो रिजल्ट चाहिए है एंड पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए है, बई सानू अपने अकॉर्डिंग काम कर लें दो, सानू अपनी एक्सपर्टाइज यूज़ कर लें दो, बिकॉज वो साडा एक्सपीरियंस है, रिजल्ट्स लिते है, रिजल्ट डिलीवर किए हैं, वो नॉलेज है, 17 साल की मेहनत है जिहड़ी इकट्ठी की है। तो जिवें मैं कह के हटिया ना कि स्टूडेंट्स आते सी डमरू बजाते सके कि बई मैनू आह चीज़ कर दे, एंड कई लोगों के हाथ से गिद्दड़ सिंह लगिया सी जिहड़ी चल गई, तो अज कोई टाइम नहीं हैगा गिद्दड़ सिंह का, अज टाइम हैगा नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, एक्सपर्टाइज का, कि बई जे तुसी अपना वीज़ा लवाना ना, वो बंदे को अप्लाई करो जाके जिन्हों को आ चीज़ा है, जिदे को नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, एंड एक्सपर्टाइज भी हैगी है, जिहड़ी तुहाडी फाइल ते अपनी जान ला के मेहनत करके उहदा रिजल्ट पॉजिटिव लैके आ सकते हैं। सो हर एक स्टूडेंट नूं यही सलाह देना चाहवांगा, मैनूं पता पंजाब तो जिन्ने भी स्टूडेंट्स अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं कैनेडा हर एक बच्चे की पहली प्रैफरेंस है,
क्योंकि हर बच्चे का रिश्तेदार उत्थे बैठा, कोई ना कोई सामने वाला बैठा, बट अज तक गल रही नहीं गई। अज कि गल नहीं रह गई कैनेडा की। जे मैं अपनी गल करा बीइंग ए कंसल्टेंट, बई मेरी रोटी रोजी चलती है, मैं रोटी इसे कारोबार से मिलती है। स्टूडेंट्स जोड़े आते हैं साढ़े लिए रब का रूप है, क्योंकि जे वह आएंगे उन्हों का वीज़ा लगेगा तब साढ़े घर से रोटी आएगी। एंड वो कंट्रिया का वीज़ा अपलाई करते, भावें कैनेडा हो गया, भावें ऑस्ट्रेलिया, भावें यूके, तो मैं उन्होंने कंट्रियों को माड़ा किमें कह देव? असं उन्हों कंसल्टेंट चो है ही नहीं गए जे दूजी कंट्री माड़ा कह दी है, क्योंकि साड़ी रोटी उस सिर तो चलती है। तो मेरे वास्ते भावें कैनेडा, भावें यूके, भावें ऑस्ट्रेलिया, सारे इको जिके है। तो हर एक स्टूडेंट को यही सजेस्टन करा कि जेकर तुम भी कैनेडा का वीज़ा अपलाई करना चाहते हो या करते पे हो, अपना बैकअप जरूर लैके चलो कि जे मेरा कैनेडा का वीज़ा नहीं लग्या मेरे को ऑल्टरनेट ऑप्शन की है। एंड ये ऑल्टरनेट ऑप्शन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ना लियो। अज अपलाई कर रहे हो ना, भावें मई या सितंबर 2023 इनटेक लिए कैनेडा अपलाई कर रहे हो, अज ही अपना मई या सितंबर इनटेक वास्ते यूके या ऑस्ट्रेलिया की ऑफर लैटर अपलाई करके जरूर रख लो, क्योंकि ऑफर के पैसे नहीं लगने। कंसल्टेंट की मेहनत है, बंदा मेहनत करने तैयार है, बट थोड़ा टाइम बच सकता। तो जे अज कैनेडा की गल कर ला ना, एक होंगे ना बच्चा होंगे जिसे 12वीं की ग्रैजुएशन की रीसेंट पास आउट है जी, 6.5-7 बैंड आ गए, वो अपने आप को तोप समझता कि मेरा तो वीज़ा वट से लग्या पिया। तो अज सब तो वह रिफ्यूजल्स भी यही प्रोफाइल्स की है। एंड अज रिजल्ट आया पता कैनेडा का, 12वीं की 2018 के बच्चा, उस तो बाद गया साइप्रस पढ़ने वास्ते, उधरों वापस आया, बैंड सके 6.5 बैंड ईच से, कैनेडा 2 बार रिफ्यूजल सी, तो अज वह वीज़ा कैनेडा का आया। सो गल है कि अपने आप को जे अप्लाई कर रहे हो जरूर बैकअप लैके चलो कि जे मेरा कैनेडा का वीज़ा नहीं होया मेरे को बैकअप ऑप्शन की है, भावें ऑस्ट्रेलिया हो, भावें यूके हो, जो इतने करते पे ना ना नाल कंटिन्यू रखो। बिकॉज स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कैनेडा 2-3 बार अपलाई किया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, 2020 की 12वीं की 21वीं की है, 6.5 बैंड ईच है, नंबर गुड 70-80% भी है। तो अज जो 2 बार कैनेडा रिफ्यूज़ हो गया ना, भाजी ऑस्ट्रेलिया अपलाई करवा दो, हो जाएगा। अज ऑस्ट्रेलिया भी उन्होंने बंद है, क्योंकि इतने एडमिशन ले नहीं, एंड गैप पै गया, तो ऑस्ट्रेलिया गैप लेंदी नहीं। सो जेकर तुसी कैनेडा वास्ते प्लैन कर रहे हो ना, एक खास उन्हें बच्चों लिया जिन्होंने रीसेंट 2022 12वीं की है, कि जे तुसी प्लैन कैनेडा वास्ते कर रहे हो अपनी एडमिशन इतने लैके जरूर रखो बैकअप वास्ते, क्योंकि इनटेक साल बाद दा। एंड रब ना करे जे रिजल्ट नैगेटिव आ जाए ना, थोड़ा गैप नहीं पैंदा, बिकॉज तुसी ते डिग्री नाल कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड तुसी अपना उते समा बचा लोगे। जेडे बच्चे कैनेडा लिए अपलाई कर रहे ना, उन्हां लिए एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ है आयल्स। कई बच्चे ने 2021 की 12वीं की है, उन्होंने 2021 च आयल्स भी की होगी। कई बच्चे ने 20 की 12वीं की है, जो 21 च 12वीं करते थे 20 च आयल्स अगर रख लिए गए, जिन्हों की आयल्स इनटेक तो पहला एक्सपायर हो रही है, उन्होंने वैसे दोबारा आयल्स करनी पैनी है। सो नाल अपनी आयल्स जरूर कर लो, बिकॉज कैनेडा का जो वीज़ा अपलाई करना, मई इनटेक की ऑप्शन भी हैगी है, सितंबर इनटेक की ऑप्शन भी हैगी है। हुण जे कैनेडा का वीज़ा अपलाई करना कि भुलेखे ना रहे हो, जो चीज़ ना देखियो कि मैं सरकारी कॉलेज करना, मैं यूनिवर्सिटी करना, कि मेरे वीज़े इत्थे ही आने हैं। बीट ए प्राइवेट कॉलेज, बीट ए पब्लिक कॉलेज, बीट यूनिवर्सिटी, जिथे सही कोर्स मिल गया अपने कोर्स की सही चोन करके अपना वीज़ा अपलाई करो, क्योंकि अज भी जो रिजल्ट आते पे ना, पॉजिटिव रिजल्ट आते पे है, वो उन्होंने बच्चों के आ रहे हैं जिन्हें कोर्स सिलेक्शन बहुत वधिया सी, कोर्स रेलीवेंट से वीज़ा अपलाई किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल, कि जो उन्होंने प्रोफाइल है प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सही कोर्स जिते मिले, भावें प्राइवेट कॉलेज है, भावें सरकारी कॉलेज है, भावें यूनिवर्सिटी है, जिते सही कोर्स मिले उत्थे वीज़ा अपलाई किया, अज उन्हों का वीज़ा उन्होंने हाथ में है। सो एट द एंड हर एक स्टूडेंट को यही सलाह देवगा कि या तो तुम वो कंसल्टेंट चूज़ कर लो जिहड़ा थोड़ी डफली नचे, जिवें जिवें तुम कहो कि उवें उवें करे, या वो बंदा चूज़ करो जिहड़ा थोड़ी प्रोफाइल में अपनी एक्सपर्टाइज यूज़ कर सके, अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर सके, अपनी नॉलेज यूज़ कर सके, थोड़ी प्रोफाइल में शेप दे सके, जो तुम अपना वधिया फ्यूचर बना सको, तो अपनी अपनी लाइफ से सैटल हो सको। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।